नमस्कार। आदर शिक्षक स्थानीय ऑनलाइन क्लासों में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और अभिनंदन। हम आज एक नए टॉपिक पाठ के साथ में एक पाठ नाम पौधे और जंतुओं का संरक्षण। पौधे और जंतुओं का संरक्षण का है सुरक्षा प्रदान करना। हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे पौधे और जंतु पाए जाते हैं जो मानव जाति के अस्तित्व और बलि प्रकाश रहने के लिए आवश्यक होते हैं। इन वन हमारे लिए लाभदायक हो सकते लाभदायक आप देखते हो कहीं बड़ा होगा जहाँ वन अधिक होते हैं वहीं वर्षा अधिक होते हैं। वर्षा और वन उन्मूलन की बात उसके क्या कारण वन उन्मूलन के क्या कारण है वन उन्मूलन का क्या अर्थ है तो वन उन्मूलन का अन्य कार्यों के अंतर्गत उपयोग करना है वन उन्मूलन कहलाता है। वनों को काट कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। अब यहाँ देखिए वनों को क्यों काटा जाता है वन में वृक्षों को काटने का क्या उद्देश्य है इसके कौन कौन उद्देश्य से वनों को काटा जाता है। वन में वृक्षों को काटते वन में वृक्षों को काटने के निम्न उद्देश्य होता है। पहला उस वन के क्षेत्र में उपयोग करना कृषि सबसे पहले कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना दूसरा ग्रह व आकाश के निर्माण के लिए भी उनको काटा जाता ग्रह एवं कारखाना के निर्माण के लिए कारखाना के निर्माण के लिए तीसरा फर्नीचर के निर्माण और दूसरा जलाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना जलाने फर्नीचर निर्माण व ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग करना ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग करना लकड़ी का उपयोग करना इसके अलावा ये सभी जो कारण है वो तो कारण है कृत्रिम हमारे मानव जनित जो प्राकृतिक कारण जिसके कारण से वनों की वन के अंतर्गत वृक्षों की संख्या लगातार बढ़ जाती है। एक तो प्राकृतिक कारण एक प्राकृतिक कारण प्राकृतिक कारण एक तो कारण बाबा वह दूसरा होता है दावन व दूसरा इसका कारण होता है दावन के बाद में भीषण सूखा सूखा पड़ जाता है सूखे पड़ने के कारण ही भी वनों के अंतर्गत लगातार वन उन्मूलन अर्थात वन के नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो था वन उन्मूलन का अर्थ और वनों को काटने क्यों काटा जाता है इसके उद्देश्य। अगर पृथ्वी के ऊपर लगातार वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा तो वन उन्मूलन के अर्थात हमारे परिणाम क्या होंगे। फिलहाल वन उन्मूलन के परिणाम
मनोमुद्रण परिणाम सबसे पहले वनोन्मूलन के अंदर में पृथ्वी के ताप और प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी की ताप और प्रदूषण में वृद्धि दूसरा और कौन कौन से क्या बात है? पृथ्वी के तापमान में औसत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा लगातार वनों की लगातार अनवरत यहाँ कटाई चलती रही, इस तरह से कटाई चलती रही, निरंतर कटाई होने से वर्षा व भूमि की उर्वरता के अंतर्गत कमी आ जाए। वर्षा व भूमि की उर्वरता में कमी, भूमि की उर्वरता में कमी आना स्तर जो होता है वो नीचे गिर जाएगा, अर्थात जमीन के अंदर का जो जल होता है वो नीचे गिर जाएगा। भौमजल स्तर में कमी श्वसन क्रिया के अंदर देख रहे हैं तो श्वसन क्रिया का क्या ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, लेकिन भोजन बनाने की प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। जब वर्षों की संख्या कम हो जाएगी तो पृथ्वी के वातावरण के अंदर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से पृथ्वी के वातावरण के अंदर तापमान बढ़ जाएगा और पृथ्वी के वातावरण के अंदर तापमान बढ़ने से विश्व उष्णता की संख्या उत्पन्न हो जाती है, यानी विश्व उष्णता की संख्या जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णता की संख्या या इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग की संख्या। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हिंदी में लिखते हैं ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि होना, पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल जो विश्व उष्णता की समस्या हो जाती है अर्थात पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से यहाँ का जो तापमान होता है जल चक्र, उस जल चक्र का संतुलन भी बिगड़ जाता है। जल चक्र के संतुलन बिगड़ने से वर्षा दर में निरंतर कमी आ जाती है और वर्षा दर में कमी आने के कारण यहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात जिसके समय कारण क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। दूसरा दिन हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था जो वन होते हैं वो मृदा अपरदन करता है, मृदा के कटाव को रोकते हैं, मृदा अपरदन में सहायक वनों के अभाव में मृदा अपरदन की गति बढ़ जाती है। मृदा अपरदन का अर्थ होता है भूमि का ऊपरी परत का हट जाना, भूमि की जब ऊपरी परत हट जाएगी तो चट्टानें दिखाई देने लगती है, अर्थात भूमि की उर्वरता में कमी आ जाना, भूमि की पुष्ट हो जाती है, उर्वरता में कमी आ जाना, ऐसे भूमि व चट्टानें दिखने लगती है, ऐसे ऊपरी मर्दा तो हट जाएगी और नीचे चट्टानें दिखाई देने लगती हैं जिससे भूमि के ह्यूमस की मात्रा के अंतर्गत कमी आ जाती है और जिनकी ह्यूमस की मात्रा में कमी होने से वह धीरे धीरे भूमि पूरी होती है,
मरुस्थलीकरण में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात मरुस्थलीकरण किसको कहते हैं, तो ऊपरी मृदा प्रदूषण को कहते हैं। यदि यह कैसे कहते हैं, पांचवा पूरा चित्र पॉइंट है मृदा अपरदन का, मृदा अपरदन की समस्या, मृदा अपरदन की समस्या, मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब जो है वायु पर वृक्ष मृदा को बांधे हुए रखते हैं, भूमजल के जल धारण की क्षमता में कमी आ जाती है, भूमि में जल धारण की क्षमता में कमी, भूमि में जल धारण की क्षमता में कमी, ये क्षमता में कमी। जब जमीन में जल धारण की क्षमता नहीं हो, क्योंकि मिट्टी मिट्टी प्रस या वर कह सकते हैं, खुद ही मिट्टी को कोला बनाए रखते हैं, कोला अगर मिट्टी को अंदर तक कोले नहीं होंगे, कण पाश पाश होंगे, उनमें जल धारण की क्षमता में कमी आ जाती है, जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अगला पॉइंट है आपका, जैसे मिट्टी के घटक कह सकते हैं क्षमता, पोषक तत्व, पोषक तत्वों के अंतर्गत कमी आ गई, इन पोषक तत्व उनके अंतर्गत कमी आ गई, पोषक घटक आदि में कमी आ गई, आदि में कमी ये सभी वनों उन्मूलन यानी कि वर्षा की कारण है। हमारे सामने बहुत सारी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वन हमारे कह सकते हैं इस प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो वनों की आवश्यकता होती है। वन हमारी भूमि है, जो मानव का अस्तित्व है, और मानव जिसमें भूमि पाती रहता है। वनों के बगैर हम देखते हैं जल, वनों के बगैर जीव जंतुओं का जो आवास है वो भी नष्ट हो जाता है। जीव जंतुओं का मुख्य आवास होता वो वन ही होते हैं, इनके अभाव के अंदर जीव जंतुओं की संख्या में भी निरंतर कमी या आर्थिक कमी होती है।